पढ़ा है वो पढ़ा रहा है। हेलो एवरीवन, बेटा दो लेक्चर किए थे अभी हमने इस चैप्टर में। फोन को साइड में रख दो। क्या क्या किया था जल्दी से पहले वो रिवाइज करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट हमने यहाँ किया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों में क्या फर्क है? माइक्रो में किस चीज की स्टडी होती है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की। मैक्रो में किसकी स्टडी होती है? इकोनॉमी एज ए होल। क्या क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल, नेशनल इनकम गवर्नमेंट बजट, ये कहाँ पे पढ़े जाएंगे? मैक्रो में, क्योंकि वो किसकी प्रॉब्लम है? पूरी इकोनॉमी। और इंडिविजुअल माइक्रो में क्या पढ़ा जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई। फिर मैंने आपको बताया था जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम क्या मानेंगे? मैक्रो के सारे वेरिएबल क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट। जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो के सारे वेरिएबल क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट। और दो एक एग्जाम्पल हो गए थे। इसके अलावा रिसोर्सेज के दो फीचर्स क्या है? रिसोर्सेज किस में अवेलेबल है? लिमिटेड क्वांटिटी में। और उनके क्या है ऑल्टरनेटिव यूज? जैसे वाटर एक रिसोर्स है, उसको अलग अलग यूज कर सकते हो। और प्योर वाटर किस में है? लिमिटेड क्वांटिटी में। किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि वॉन्ट्स क्या है लेकिन रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। और उनके भी क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस? व्हेन ह्यूमन वॉन्ट्स एक्सीड्स द प्रोडक्शन पॉसिबल विद गिवन रिसोर्सेज। जब आपके डिजायर्स ज्यादा हैं। भाई आपके सपने तो पता नहीं कहाँ ही हैं, और वैसे होने भी चाहिए देखे जाए तो। अगर सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे करोगे, है ना? तो सपने बड़े से बड़े देखने चाहिए। तो व्हेन ह्यूमन वॉन्ट्स एक्सीड्स द प्रोडक्शन पॉसिबल, कुछ देख लिया क्या सपना भी किसने इस चीज का? अंबानी जी को पीछे छोड़ने कुछ ऐसा सपना या नहीं? नॉर्मली था कितना? 10-20 हजार करोड़ किससे? हाँ, नेताजी में भी। फिर बड़ी नेताजी सोचना ना, छोटे मोटे नहीं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन वैसे सोच भी देखो कितनी अच्छी है। शादी की सोच है बस, ये नहीं कि नेताजी खुद ही बन जाएंगे हम, ना ना। हाँ अच्छा, शादी करने की कैपेबिलिटी है नेताजी के लड़के से है? चलो छोड़ो। हमने फिर इकोनॉमिक्स समझा था। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? एक स्टडी है इंडिविजुअल की, जहां पे आप अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को किससे सेटिस्फाई कर रहे हो? लिमिटेड रिसोर्सेस से। बेटा जिंदगी तो सबकी कट रही है, चाहे खुश हो या ना हो, मन को भुलाई रहे हो। चल भाई, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपने डिजायर्स जितने भी हैं उसे कंट्रोल करके अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट इज द स्टडी दैट हाउ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स। वॉन्ट्स नहीं है भाई साहब आपकी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेस। फिर कल ये क्या था? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? एक फ्रेमवर्क जिसमें खाली कौन सी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक का मतलब जो पैसा कमाने के लिए की जाए। और ये लास्ट कंसेप्ट था, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। क्या फर्क है दोनों में? जो हो रहा है दैट इज पॉजिटिव, जो होना दैट इज। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, नॉर्मेटिव। जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है, हम 140 करोड़ हैं ये वेरीफाई कर सकते हैं, इट कैन बी वेरीफाइड। जो होना चाहिए उसे वेरीफाइड नहीं कर सकते, और जो वेरीफाई नहीं हो सकता उसमें हमेशा क्या लगेगी? पर्सनल जजमेंट। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कर लो ना, मैं बता रहा हूँ। जो चीज़ हुई नहीं उस पर कोई भी अपनी क्या दे सकता है? जजमेंट। और जो होगी उस पर कोई जजमेंट नहीं। मैंने सारी बातें रिवाइज करा दी। नया कंसेप्ट आज का, हेडिंग लिखो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और तीन, बेटा आपको कंसेप्ट के ऊपर लिखा हुआ मिल गया होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर के दिल की जान, एग्जामिनर के दिल के पास काफी चांसेस हैं पेपर में इससे क्वेश्चन आए। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 पॉइंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, आया था ना आपके इंटरनल्स में? बेटा मैंने पिछली बार भी जब समझाया होगा तो कहा था, और इस बार भी कह रहा हूँ, जब भी किसी के पेपर होंगे इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस।
अब एक एक करके पहले समझेंगे देन लिखेंगे। और ये तीन ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी है, इकोनॉमी चाहे इंडियन हो, चाहे यूएस से हो, चाहे यूके हो। क्या है भैया ऐसा इन प्रॉब्लम्स में? आराम से, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस हमें हेडिंग से ही समझ में आता है। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में क्या डिसाइड करना होगा, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में। तो जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है उसमें ही लिखते हैं दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद, ध्यान से सुनना, दिस रिसोर्स, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया ये क्या है बेटा, जहां पे आप रिसोर्सेज लगाओगे वही तो गुड्स उतने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। जैसे आप पे लैंड है, लेबर है, बेटा जहां आप अपने जिस गुड्स के लिए अपने लैंड का यूज करोगे, जिस गुड्स के लिए लेबर का यूज करोगे, जिस गुड्स पे अपने पैसे का यूज करोगे, उसकी प्रोडक्शन तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या बात क्लियर है या नहीं है? अब जैसे हम सोचते हैं आराम से, दो गुड्स हैं और पढ़ना आसान है, फिर प्रैक्टिकली लिंक कराने की बात करूंगा। एक गुड्स तो कौन सा है, कंज्यूमर, और एक कौन सा है, कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं, ये खाने पीने की चीजों को जो आप कंज्यूमर यूज करते हो, खाने पीने की जितनी भी चीज होगी, और ये कपड़े, क्लोथ्स, फूड आर्टिकल सब कंज्यूमर में आते हैं, नाम ही क्या है, कंज्यूमर। और कैपिटल में क्या आता है, मशीन, बिल्डिंग वगैरह। अगर आपने कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा करी तो कैपिटल की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, कम। क्यों कम करनी पड़ेगी? अगर एक गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की प्रोडक्शन क्यों कम होगी पता है? अगर आप इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपने कहा कि भाई हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बना रहे हैं, तो कैपिटल गुड्स क्यों कम बनाने पड़ेंगे? मेन वर्ड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। लिखना कितना आसान है, बड़े आराम से पेपर पे पेन से एक लाइन में लिख दो, इन दिस वी डिसाइड विच गुड शुड बी प्रोड्यूस एंड इन वट क्वान्टिटी, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं प्रैक्टिकली पे आता हूँ, तुमने बुकिश में तो दो लाइन में लिख के काम खत्म हो जाएगा, बेटा प्रैक्टिकली ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। पता क्यों? आपके पास लिमिटेड पैसा है, पता है आपको, आप प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के, आपको पता है हमारे यहाँ लोग इतने गरीब हैं, 25% पॉपुलेशन एब्सोल्यूट पुअर है, दो टाइम खाने के पैसे नहीं है उनके पास कि दो टाइम भी खाना खा सके। कभी यूपी के किसी गांव में जाओ या बिहार के किसी गांव में जाओ, उनके पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए। तो अब बेटा जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा किस पे लगाने की जरूरत पड़ेगी? भाई ऐसा करो, फूड आर्टिकल्स ज़्यादा बनाओ, कपड़े ज़्यादा बनाओ और इन्हें किसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो फ्री में, एक ऑप्शन तो ये है। अगर मैंने वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दी तो चाइना पाकिस्तान वाले छोड़ देंगे क्या? भाई अगर मैंने सारा फोकस यहाँ लगा दिया और मैंने किस पे पैसा ही नहीं लगाया, डिफेंस गुड्स पे, मैंने क्या ही नहीं खरीदी, मिसाइल्स ही नहीं खरीदी, मैंने आर्म्स वगैरह ही नहीं खरीदे, मैंने डिफेंस इक्विपमेंट्स पे पैसा नहीं लगाया, तो बेटा वो तो खाली बैठे हैं दोनों, हर एक दो महीने बाद उनको पता नहीं क्या चूल होती है, वो अपना बम फायर, जैसे पता नहीं दिवाली आती हो वो पटाखे फोड़ते रहते हैं, सीज फायर अगर आपने सुना हो, सुना है नहीं? अगर हमने कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा पैसा लगा दिया तो मैं किस पे नहीं लगा पाऊंगा, डिफेंस पे, डिफेंस पे लगा दिया तो किस पे नहीं लगा पाऊंगा, कंज्यूमर। तुम्हें तो कुछ नहीं, तुमने तो एक लाइन लिखनी है, मैं कह रहा हूँ बस एक बार लिंक करके देखो। जिस बंदे को डिसीजन लेना पड़ता होगा ऑन स्पॉट, भाई मेरे पे बजट है 30 लाख करोड़ का, मैं या तो ये गरीबों में बांट दूँ या ये डिफेंस वालों को लगा दूँ। आपको पता है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है इंडिया में 30 लाख करोड़ में से? सबसे ज्यादा पैसा हाँ कहाँ लगता है, एक आंसर आया मेरे वहां से मुझे, डिफेंस। एक बच्चा कह रहा है डिफेंस पे लगता है, आप कह रहे हो कंज्यूमर पे। बेटा आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस पे लगता है, डिफेंस इंडस्ट्री का लगभग बजट 10% का होता है, मिनिमम भी 3 से 4 लाख करोड़ रुपए लगते हैं इंडिया में हर साल डिफेंस पे। अहें क्या कह रहे हो? और डिफेंस पे सबसे ज्यादा पैसा लगता है इंडिया में, क्योंकि बेटा आप समझो ना, जिस जगह हम हैं, एक साइड चाइना है और एक साइड पाकिस्तान, दोनों घर से खाली हैं। पाकिस्तान वालों को तो जिंदगी में आज तक कुछ आता ही नहीं, वो तो कह रहे हैं यार टाइम पास नहीं हो रहा, चलो भाई इंडिया वाले से मजा ले लेते हैं, ले भाई बम फोड़ दिया है ना, वो
पाकिस्तान वालों को तो ये सीन है, और हमारे जैसे लोग अगर डिफेंस पे पैसा ना लगाएं तो बेटा वो पाकिस्तान कब से इंडिया में एंट्री कर जाए या चाइना। और अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ में एक्टिव रहते हो आजकल तो आप देखते होंगे चाइना ने यहाँ पे अटैक करा इस वाले पहाड़, मतलब अलग अलग जगह जो लेह लद्दाख है। मैं आपको अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन दूँ, अभी पिछले साल की, अभी मैं जब जून में लेह लद्दाख गया हुआ था तो वहाँ आर्मी कैंप पे गया था, एक नोन था वहाँ पे, तो उसका कहना पता क्या है, कह रहे पिछले 2 साल के अंदर लेह लद्दाख के अंदर कितने हमने आर्मी एम्प्लॉयज को इंक्रीज कर दिया, कह रहे 80,000 आर्मी की ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है पिछले 2 साल के अंदर, और कॉन्टिन्यूसली और आर्मी डिप्लॉय हो रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लेह लद्दाख से किसका बॉर्डर अटैच होता है, चाइना का बॉर्डर अटैच होता है। पहले कुछ भी नहीं था, अगर आपको पता हो, आपको इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो बेटा, पहले और आज के इंडिया में क्या फर्क है। पहले ना लेह लद्दाख में रोड्स नहीं बनाते थे हम, पता क्यों? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि इंडिया वाले इतना डरते थे कि अगर गलती से चाइना लेह लद्दाख से एंटर कर गया तो उन्हें रोड्स खराब मिलेंगी, तो उन्हें इंडिया में एंटर होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ, और अब इंडियन गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे खेलती है भाई साहब, सारी रोड एक क्वालिटी की है, अगर गलती से भी किसी ने कुछ करने की कोशिश करी ना, वहीं घुस के मारेंगे। और अभी ये हुआ है वहां पे, मुझे घाटी का नाम, वैली होती है ना वहां पे अलग अलग, तो एक वैली इंडिया की थी, उस वैली में वो एंटर कर गए थे, क्योंकि बॉर्डर है। अब भाई आप इतना बड़ा बॉर्डर है, कहीं पे भी आप एंटर कर गए और कहने लगे जी ये तो मेरा एरिया है। तो अभी हुआ था, ये पिछले 3-4 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो चाइना आर्मी को वापसी भगा दिया था, चलो जाओ यहाँ से वापसी, जिस एरिया में उस एरिया में ही रहो। ये नॉर्मली चलता रहता है ये सब कुछ। मैंने बस ये क्यों लिंक किया बेटा, आप बच्चों के लिए लिखना और पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है ना, क्या बनाए, कितना बनाए, पूरी की पूरी कमेटी बैठती होगी इंडिया में, तब जाके ये चीजें डिसाइड होती होंगी बेटा। लेकिन चलो, तुम्हें क्या, क्यों जा रहा टेंशन लेने, 2 लाइन पढ़ो और लिखो, लिख लो इसे, ये प्रॉब्लम किससे एसोसिएटेड है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस से। इसमें हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, कौन सा गुड्स और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, मोर क्लोथ या लेस फूड आर्टिकल्स, और मोर फूड आर्टिकल्स लेस क्लोथ शुड बी प्रोड्यूस। और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो बेटा, अभी हमने डिसाइड करा क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे, और ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड थी, एलोकेशन, जहां रिसोर्सेज लगाओगे वही गुड्स बन जाएगी। अब मेन पॉइंट ये आता है, ये तो डिसाइड कर लिया क्या बनाना है और कितना बनाना है, अब क्या डिसाइड करना होता है सेकंड में, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, गुड्स को कैसे बनाए, बड़ा इजी है, लिखेंगे कैसे, मेन बात तो वो है, मेन तो मीनिंग यही है, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी या सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। सिंपल, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है बेटा, आप कोई भी गुड्स जनरली 2 तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, कौन कौन से तरीके होते हैं भैया, एक तो हम नाम देते हैं कैपिटल इंटेंसिव और एक को नाम देते हैं लेबर इंटेंसिव। भैया क्या फर्क है, नाम से क्लियर है, लेबर इंटेंसिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे गुड्स को बनाने के लिए ज़्यादा किसका यूज होगा, लेबर का, और मशीन का क्या यूज होगा, कम। और कैपिटल इंटेंसिव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मशीन का यूज क्या होगा, ज्यादा, और लेबर का क्या होगा, कम। मैं तुम्हारे एक बात पूछता हूँ तुमसे, अगर बेटा जिसने पहले पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, वो जरा शांत रहे, अगर आप कल को एक फैक्ट्री ओपन कर रहे हो, आपको ये डिसाइड करना है कि लेबर या कैपिटल इंटेंसिव में से कौन से टेक्नोलॉजी यूज करोगे, तो कौन से टेक्नोलॉजी का यूज होगा, कैपिटल का या लेबर का। हाँ, डंगर कहीं के बेटा, देखो हम वो टेक्नोलॉजी ही तो अडॉप्ट करेंगे। अगर आप कल को एक प्रोड्यूसर बनते हो, गलती से आप कोई बिजनेस करते हो, आप वो टेक्नोलॉजी तो यूज करोगे जहाँ पे खर्चा क्या हो, कम, बात खत्म। लेकिन अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, ये तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, एक सिंगल प्रोड्यूसर, लेकिन अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो वो क्या देखेगी, अगर कोई इकोनॉमी डेवलप करना चाहती है तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट के लिए तो कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कैपिटल इंटेंसिव, जो काम मशीन कर सकती है वो काम लेबर
नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में लेबर सरप्लस है, लोग ही लोग हैं जैसे इंडिया में, कमी नहीं है, तो ऐसी जगह में जनरली कौन सी टेक्निक ज्यादा सही रह जाती है? लेबर इंटेंसिव, समझ भी आ रहा है, क्योंकि वहां पे बंदे इतने हैं कि वो, आप देखो इंडिया में कितनी सस्ती लेबर है, एक दिन में पता लेबर का रेट क्या चल रहा है? अनएम्प्लॉयड जो ये ऊपर के मजदूर वगैरह लगते हैं कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइड पे, एक दिन की कितनी कमाई होती है उनकी? 350, 300 से 350 एक दिन फुल डे की। खुश हो गए क्या? 300 350 मिल रहे बच्चे ऐसे रे बेढंग रहो, 30 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, जो कि 30 दिन उन्हें काम मिलता नहीं, किसी दिन मिल गया किसी दिन नहीं, अगर 30 दिन भी काम मिल गया तो पूरे बे 10,500, अगर 1,500 होते तो मैं चला भाई यहाँ से। हाँ, अगर 1 लाख की कमाई हो रही होती भाई साहब, हम तो ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे, हम भी चले भाई अपना 1 लाख रुपए। मैं तुम सबको एडवाइस देता, छोड़ो बेटा ये सब मोह माया को, अपना 350 रुपए के हिसाब से कमा के 1 लाख रुपए कमा लो महीने के, है ना? ये इंडिया की लेबर की हालत है, 10,000 रुपये महीने में, और अनलिमिटेड लेबर है। आप गलती से कभी अगर अगर सुबह सुबह श्री राम स्वीट्स के बाहर निकले हो तो वहां पे वो लेबर खड़ी रहती है, वो इसी कैटेगरी की लेबर है। देखा कितनी जनता होती है वहां पे बेटा, वो सारी जनता कितने रेट पे काम करने के लिए रेडी है? 10,000 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इनकम है एक बंदे की। है, मैं कह तो रहा हूँ, उसे अगर 20 दिन भी काम मिला तो 7,000 रुपये महीने ही बस उसकी कमाई बैठेगी। 7,000 रुपये में पता नहीं क्या होता होगा, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने स्कूल की फीस भी कितनी नहीं है, 7,000 नहीं है, उससे ज्यादा तो फीस हो रखी है कितने स्कूल की, एक क्वार्टर की, महीने की भी मान लो 6,000 रुपये तो है ही। तो आप ये देख लो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितने बड़े लेवल पे है बेटा। फिलहाल तो तुम्हें क्या ही है, तुम तो बेटा फिर वही अच्छे बच्चों की तरह लिख के आना। ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? सिलेक्शन या चॉइस ऑफ टेक्निक, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में लेबर से यूज करें या कैपिटल से? हम तो वो यूज करेंगे जहां पे कम खर्चा हो। एक बात तो रहेगी, ये प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है, क्यों सोचना पड़ रहा है कि कैपिटल या लेबर? बिकॉज एनी गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग मोर देन वन टेक्नोलॉजी। अगर एक टेक्नोलॉजी से गुड्स प्रोड्यूस होता तो ये सोचना ना पड़ता। तो इसमें लाइन लिखी जाती है, ये प्रॉब्लम इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि किसी भी गुड्स को एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। करो बेटा नोट। बेटा अभी हमने दो कंसेप्ट करे, एक कंसेप्ट करा व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें डिसाइड करा कौन सा गुड्स बनाए, कितने क्वांटिटी में बनाए, क्यों सोचना पड़ रहा है कौन सा गुड्स बनाए, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है लिमिटेड, हाउ टू प्रोड्यूस में डिसाइड करा कैसे बनाए, जिसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्यों डिसाइड करना पड़ा, क्योंकि कोई भी गुड्स एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है प्रोड्यूस। बेटा ये दोनों फिर भी आसान है, हेडिंग से क्लियर होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस क्लियर है बेटा। फॉर होम टू प्रोड्यूस जो लगता है वो नहीं है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में लगता है किसके लिए बनाए, ऐसा लगता है ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए, लेकिन यहाँ पे ये बात है ही नहीं किसके लिए बनाए बेटा, बात ना हो। यहाँ पे बात है कि जो गुड्स बन के रेडी हो गया है उस गुड्स को पूरी इकोनॉमी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कि जो नेशनल इनकम आपने कमाई उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें भैया, कैसे जरा समझाओगे? बिल्कुल, देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड करा गुड्स को कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस में, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाना है कैसे बनाना है, बन के गुड्स रेडी हो गया। अब गुड्स बनने के लिए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे, कितने? चार। कौन कौन से चार चीजें लगी होंगी गुड्स को? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जिसने अपनी लैंड दी थी, अगर आप कल को अपनी किसी को जमीन दे रहे हो तो उसके बदले क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे? रेंट, पैसा तो सब कुछ चाहिए बेटा, लेकिन उस पैसे को क्या कहते हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी बदले में पैसे मिलते हैं, उसे मैं क्या कहता हूँ? फीस कहता हूँ।
जिसकी नहीं आई वो समझे इस बात को, है ना। ऐसे जो अपनी लैंड देगा वो बदले में पैसे तो लेगा, लेकिन उस पैसे को क्या कह देंगे, रेंट। कल को अगर आप किसी के यहाँ एज ए लेबर काम करोगे तो लेबर को क्या मिलती है, वेजेस एंड जो अपना पैसा लगाएगा कैपिटल उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और जो आजकल बड़ा चल रहा है शार्क टैंक देखने के बाद, सैलरी नहीं बेटा, एंटरप्रेन्योर हर किसी को, उसके बाद हम भैया हम क्या बनेंगे, हम भैया धंधा शुरू करेंगे, है ना। हाँ हम कुछ इनोवेशन करके दिखाएंगे। अगर आप कल को एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो उस बंदे को क्या मिलता है, प्रॉफिट। अगर आपको धंधे में कमाई हुई प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। बेटा ये क्यों बताया समझना, ये अलग अलग इनकम है, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। हम होम टू प्रोड्यूस में पढ़ ही क्या रहे हैं, होम टू प्रोड्यूस में हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग किसके बीच में, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इन चारों में इस इनकम का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसे ज्यादा इनकम दे किसे कम दे। मतलब क्या मैं रेंट ज्यादा दूं या कम दूं, वेजेस सैलरी ज्यादा दूं या कम दूं, इंटरेस्ट ज्यादा दूं या कम दूं, ये सारी चीजें कहाँ पे डिसाइड होंगी, फॉर होम टू प्रोड्यूस में। देखो ये क्या लिखा, समझते रहना पहले, ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। एक बार आपने अलग अलग गुड्स और सर्विसेज बना लिए, अब आपको डिसाइड करना है कि इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हु गेट मोर और हु गेट लेस। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसे लिख लो, इसे नोट डाउन कर लो, तीनों रिवाइज कर लो। तीनों के तीनों कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, एग्जामिनर के दिल की जान है, काफी चांसेस हैं कि पेपर में इनमें से कुछ आएगा।